हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजाम तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर फोर ऑफ द बुक रूरल मार्केटिंग और चैप्टर फोर नंबर का जो नेम है वो है सेगमेंटिंग रूरल मार्केटिंग मार्केट तो देखिए सेगमेंटिंग रूरल मार्केट क्या होता है अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो चलिए स्टूडेंट्स देर ना करते हुए, करते हुए स्टार्ट हैं आज का चैप्टर देखिए फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में क्या होता है हमें इस चैप्टर के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग हमें पता चल जाएगा कि सेगमेंटेशन क्या होता है एक्चुअल वे में ठीक है तो चलिए स्टूडेंट्स <coughs> <coughs> एनी मार्केटर कैन टारगेट अ मार्केट विद टू ब्रॉड स्ट्रेटजीज नेमली मास मार्केट स्ट्रेटजीज एंड मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी। देखिए देखिए कोई भी मार्केटर है वो टारगेट करता है मार्केट को विद टू ब्रॉड स्ट्रेटजी, दो ब्रॉड स्ट्रेटजी के वे में स्ट्रेटजीज को देखते हुए वो क्या करता है एक मार्केट को टारगेट करता है किस बेस पे करता है दो स्ट्रेटेजी मास मार्केट स्ट्रेटजीज एंड मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी मास मार्केट में सारा मार्केट इकट्ठा ठीक है और मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजीज मतलब मार्केट को कई पार्ट में हमने डिवाइड करके फिर उस पर स्ट्रेटेजीज लगाई है ठीक है तो वो हो गई मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी मास मार्केट स्ट्रेटेजीज मीन्स टारगेटिंग द टोटल मार्केट एज पोटेंशियल बायर ऑफ अ ब्रांड इज अन अ प्रोडक्ट कैटेगरी विद वन मार्केटिंग मिक्स वन मार्केटिंग मिक्स के अकॉर्डिंग मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अट्रोजीनियस मार्केट इन टू होमोजीनियस सब यूनिट्स जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो एक क्या प्रोसेस है इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अट्रोजीनियस मार्केट एक हेट्रोजीनियस मार्केट को डिवाइड कर दिया इनटू होमोजीनियस सब यूनिट्स एक मान लो एक ये पूरा मार्केट है ठीक है इसको हमने चार पार्ट्स में ये ये तो पूरा हेट्रोजीनियस है चार होमोजीनियस पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया ठीक है तो वो क्या कहला क्या कहलाएगा मार्केट सेगमेंटेशन मार्केट सेगमेंटेशन इज द सब डिविजन ऑफ टोटल मार्केट ऑन सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स मा देखिए पूरा मार्केट ये है हमारा ठीक है हेट्रोजीनियस है जिसमें अब हमने चार पार्ट्स बना दिए जो जो सेम टाइप के ये सेम टाइप की चीजें थी तो एक पार्ट ये हो गया एक ये सेम टाइप की चीजें थी एक पार्ट हो गया एक से ये सेम टाइप की चीजें थी एक ये हो गया और एक ये हो गया तो सेम जो कॉमन जिसमें कॉमन चीजें मिलती हैं उसको सेम एक पार्ट बना दिया उसका एक सेगमेंट बना दिया हमने ठीक है <coughs> सम कॉमन प्रैक्टर्स ऑफ द बायर सो एज टू हैव अ डिफरेंट मार्किटिंग स्ट्रेटेजी फॉर ईच मार्केट सेगमेंट इन ऑर्डर टू अर्न मैक्मम प्रॉफिट एंड द कस्टमर सेटिसफेक्शन फॉर द कंपनी इसलिए हमने किस लिए किया ये सेगमेंटेशन ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले ठीक है एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर द कंपनी और, और कस्टमर को सेटिसफैक्शन मिले ठीक है उन्हें जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए था जिस टाइप के जो सेगमेंटेशन बना दिए थे हमने उस अकॉर्डिंग उनका जो प्रोडक्ट है वही उनको प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है अब आगे देखिए जो रूरल मार्केट है वो भी एक हेट्रोजीनियस है नेचर में ठीक है दे आर नंबर ऑफ फैक्टर दैट डिस्प्ले द दट्रोजीनिटी ऑफ द रूरल मार्केट्स लाइक सोशल कल्चरल डिफरेंसेस अक्रॉस द रीजन वेरिएशन इन पॉपुलेशन साइज लिटरेसी लेवल एटसेट्रा ठीक है ये सब क्या हो गए इनके वेरिएशन हो गए रीजन वेरिएशन इन पॉपुलेशन साइज लिटरेसी लेवल ये सब क्या हो गए इनके हेटरोजेनिटी का बेस हो गया ठीक है दिस फैक्टर्स प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन कंज्यूमर बिहेवियर टूआर्स द परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स इन रूरल मार्केट्स, द हेटरोजेनिटी इज नॉट ओनली विजिबल अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री बट इट आल्सो ऑब्जर्व विद इन अ रीजन भाई हेटरोजेनिटी जो नहीं है कि पूरी कंट्री में हो डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री में हो एक रीजन के अंदर भी हाइट्रोजिनिटी हो हाइट्रोजेनिटी मिली heterogeneity मतलब कि अलग अलग सबका नेचर अलग अलग होना ठीक है देयर फोर इट इज एडवाइजेबल टू सेगमेंट द रूरल मार्केट द नीड्स टारगेट कंज्यूमर ऑप्टिमली कि हमें इस तरीके से सेगमेंट करना चाहिए रूरल मार्केट को कि सबकी नीड को हम अच्छी तरीके से पूरा कर सकें ठीक है अब देखो एग्जाम्पल रखा है रूरल मार्केट का एग्जाम्पल देखा है कि रूरल मार्केट को सेगमेंट करने की जरूरत क्यों है फिफ्टी परसेंट ऑफ रूरल पीपल आर एंगेज एग्रीकल्चर देखिए टोटल रूरल मार्केट की जो पॉपुलेशन है रूरल पीपल हैं उसका फिफ्टी परसेंट क्या वर्क करता है एग्रीकल्चर वर्क करता है खेती का काम करता है ठीक है बट स्टिल दे कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द सेम कैटेगरी लेकिन फिर भी हम उनको ये लगा लो ये पूरा एक गाँव है ठीक है गांव लगा लो ये सारे रूरल पेपर लगा लो ठीक है उसका जो फिफ्टी परसेंट पार्ट है ये करता है खेती क्या करता है खेती लेकिन फिर भी हम इनको एक बन, एक टाइप के बंदों में नहीं आक सकते क्यों क्योंकि फिफ्टी परसेंट जो खेती कर रहा है उसमें से जो कई तो स्मॉल फार्मर्स होंगे ठीक है कई मीडियम फार्मर्स होंगे खेती करने वाले भी और कई होंगे जो बहुत ज्यादा कमाते हैं लार्ज स्केल पर जो कमाते हैं वो फार्मर्स होंगे तो उनमें से भी इनमें से भी कैटेगरी बन सकती है तीन टाइप की ठीक है तो ये आ गया आगे देखो मीडियम फार्मर मार्जिन फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर देयर इनकम्स लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर आर डिफरेंट और इन तीनों की इनकम अलग होगी ठीक है लाइफ स्टाइल अलग होगा और उनका बिहेवियर भी उस अकॉर्डिंग अलग होगा दस देयर इज अ नीड टू क्लासीफाई फार्मर्स अंडर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स इसलिए उनको डिफरेंट सेगमेंट में डालने की जरूरत पड़ती है ठीक है हाँ फर्दर द रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट ऑफ रूरल पीपल आर एंगेज इन नॉन फार्मर अब हमने बताया था कि ये पूरा का फिफ्टी परसेंट खेती करता है तो बचा हुआ कुछ और काम करता होगा नॉन फार्मर्स होंगे वो है ना तो जो नॉन फार्मर्स हैं उनको भी कैटेगराइज किया एम्प्लॉयड और ट्रेडर्स ठीक है तो यानी अब देख लो हम, हमने सबके बेस पे ये थी सारी रूरल पीपल ठीक है रूरल पीपल हैं इनको हमने किस बेसिस पे सेगमेंट किया है ये हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर्स ठीक है, है।, है। खुद के एम्प्लॉयड रखा है इन्होंने खुद खुद के लिए काम करते हैं फार्मर खेती का काम करते हैं फार्मिंग डेली वेजेस लेबरर्स ठीक है डेली वेज पे जो काम करते हैं ठीक है सैलरीड एम्प्लॉय सैलरी के लिए जो काम करते हैं और जो बच गए ट्रेडर्स ट्रेडर्स आ जाएंगे यहाँ पर आ गए डेली वेजेस वेज लेते हैं जो और यहाँ पे आ गए फार्मर किसान ठीक है समझा गया चार भागों में हमने उसको सेगमेंट कर दिया किसको रूरल पीपल को या रूरल पॉपुलेशन को ठीक है आगे देखिए स्टूडेंट्स सेगमेंटिंग मार्केट्स एंड अट्रैक्टिव कस्टमर्स इन्वॉल्व थ्री की डिसीजंस टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग ठीक है अब देखो क्या होता है सेगमेंटेशन डिसीजन है सेगमेंटेशन का सेगमेंटेशन में क्या एक्शन किया जाता है आइडेंटिफाइंग वेरियस बेसिस फॉर सेगमेंटिंग मार्केट बहुत सारे बेसिस आइडेंटिफाई करने हैं हमको जिसके अकॉर्डिंग जिसके बेस पर हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं मतलब डिवाइड कर सके मार्केट को ठीक है आगे देखिए डेवलपिंग प्रोफाइल्स ऑफ मार्केट सेगमेंट पहले हमने बेस करे आइडेंटिफाई फिर उनकी प्रोफाइल बनाई मार्केट सेगमेंट जितने भी हमने मार्केट सेगमेंट बनाए फिर उनकी प्रोफाइल बनाना ये होता है सेगमेंटेशन करना ठीक है विभाजित करना मतलब ये लगा लो ठीक है हिंदी में टारगेटिंग अब उनको टारगेट करना है टारगेट कैसे करेंगे इवेल्युएटिंग द मार्केट सेगमेंट फॉर देयर अट्रैक्टिवनेस देखिए जो भी आपने मार्केट सेगमेंट यहां बनाए थे उन मार्केट सेगमेंट को अच्छे से इवेल्युएट करो किस चीज के लिए फॉर देयर अट्रैक्टिवनेस वो किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं किस चीज की अट्रैक्टिवनेस है उनमें ठीक है फिर फिर क्या करना है आपको फिर डिसाइडिंग द मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी अब जो आपने मार्केट सेगमेंट बनाए थे उनको कैसे कवर करना है उस चीज की स्ट्रैटेजी बनाओ ठीक है ये हो गया टारगेटिंग यानी कि जो आपने सेगमेंट बनाए थे यहां पर उसको कैसे अब टारगेट करना है वो इसके अंदर आ जाएगा अब पोजीशनिंग देखो पोजिशनिंग में क्या एक्शन किए जाएंगे आइडेंटिफाइंग सेट ऑफ पॉसिबल कंपिटेटिव एडवांटेज ऑफ द ब्रांड क्या है आइडेंटिफाई करना ये आइडेंटिफाई करना कि सेट ऑफ पॉसिबल कंपिटेटिव एडवांटेज आपको कौन कौन सी कंपिटिटिव एडवांटेज मिल रही है ऑफ द ब्रांड ब्रांड की कौन सी कंपिटेटिव एडवांटेज मिल रही है उनको आइडेंटिफाई करना ठीक है दूसरा है सेलेक्टिंग द राइट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बहुत सारी आपने आइडेंटिफाई कर ली कि ये भी मेरी कंपिटेटिव एडवांटेज है ये है ये है ये है ठीक है अब इसके अंदर से एक सेलेक्ट करना है कि जो बिल्कुल सही है राइट right है जो राइट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एक सेलेक्ट कर ली मैंने ठीक है फिर कम्युनिकेटिंग द द एडवांटेज टू टारगेट ग्रुप और फिर जो आपने चूज करी है, ये वाली, वाली यूज करी, चूज करी है मैंने, अब ये क्या करना है मेरे को ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टारगेट ग्रुप है जो भी मेरा उसको कम्युनिकेट करना है कि मैंने ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज चूज करी है ठीक है समझ में आ गया आपको अब हाँ जी अब देखो हम क्या पढ़ते हैं मीनिंग मार्केट मार्केट सेगमेंटेशन इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग रूरल सेगमेंटेशन रूरल मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पोटेंशियल रूरल मार्केट इनटू डिस्टिंग सब मार्केट एक पूरी मार्केट को डिस्टिंग सब मार्केट में डिवाइड करना ठीक है डिस्टिंट सब मार्केट कंज्यूमर विद कॉमन नीड्स एंड करेक्टिक्स मतलब एक एक टाइप के जो सेगमेंट है उसमें कॉमन नीड्स के कस्टमर होंगे करेक्टिक सेम करेक्टिक्स के कस्टमर होंगे ठीक okay. है रूरल मार्केटिंग रूरल मार्केट सेगमेंटेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्लाइंग द रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आफ्टर सेगमेंटिंग द मार्केट जब आप मार्केट को सेगमेंट कर दोगे द मार्केट टारगेट मार्केटर्स टारगेट आइडेंटिफाई कस्टमर ग्रुप्स विद प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स फिर वो कस्टमर ग्रुप्स चेक करेगा उसको आइडेंटिफाई करेगा कौन कौन से कस्टमर ग्रुप्स हैं आपके ठीक है सो एज टू पोजिशन द प्रोडक्ट और ब्रांड कंपनी एज प्रसिवड बाय द टारगेट सेगमेंट फिर वो टारगेट सेगमेंट को दिखेगा आइडेंटिफाई कस्टमर कौन से हैं कौन से हैं फिर उसके फिर उसके बाद ये दिखेगा कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा ब्रांड यहाँ पर पोजिशन करना है पोजिशन मतलब डालना है इस इस मार्केट सेगमेंट में ठीक है आगे देखिए स्टूडेंट्स डेफिनेशन कर लेते हैं एक मार्केट सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन मार्केट सेगमेंटेशन रेफर्स टू डिवाइडिंग दैट्रोजीनियस मार्केट इनटू स्मॉलर कस्टमर ग्रुप्स हैविंग सर्टेन होमोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द फॉर्म देखो एक सिंपल वे में एक क्या है मार्केट सेगमेंटेशन रेफर्स टू डिवाइडिंग डिवाइड कर दिया ये पूरी जो मार्केट थी वो हेट्रोजीनियस थी यानी सबके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स थे सबकी चॉइसेस अलग अलग थी ठीक है ये सब हेट्रोजीनियस एक मार्केट था जिसको हमने हाइड्रोजीनियस मार्केट इनटू स्मॉलर कस्टमर ग्रुप्स स्मॉलर कस्टमर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हैविंग जो भी ये एक टाइप का जो मार्केट सेगमेंट है ये इनकी जो चॉइसेस होगी वो होमोजेनस होगी सेम टाइप की होगी होमोजेनस करेक्टरिस्टिक्स की होगी दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द फर्म और जो हमारी फर्म क्या करेगी उसको सेटिस्फाइड करेगी उनकी नीड्स को जो होमोजीनियस नीड्स होंगी ठीक है आगे देखिए प्री रिक्वेट्स फॉर इफेक्टिव रूरल मार्केट सेगमेंटेशन और क्रिटेरिया फॉर इफेक्टिव रूरल मार्केटिंग मार्केट सेगमेंटेशन देखिए अगर आपको एक अच्छा इफेक्टिव रूरल मार्केट सेगमेंटेशन करना है तो उससे पहले क्या तैयारियां करनी पड़ेगी आपको ये देखिए टू बी यूजफुल सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट ऐसे होने चाहिए कैसे मेजरेबल फर्स्ट वन इज मैजरेबल पहले भाई ये मेजर करना है हमको जो भी मार्केट सेगमेंट कर रहे हो आप वो मेजर करना है कि उस जो भी आप मार्केट सेगमेंट बनाना चाहते हो ये सेगमेंट बनाना चाहते हो उसमें कितने कंज्यूमर आएंगे ठीक है मेजरेबल होना चाहिए मेजर कर सको जिसको द मार्केट सेगमेंट मस्ट बी मेजरेबल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मार्केट पोटेंशियल द सेगमेंट वेरिएबल मस्ट बी डिस्टिंक क्लियर एंड मेजरेबल जो भी सेगमेंट आप बना रहे हो वेरिएबल हो, जो है आपका सेगमेंट है वो डिस्टिंक सबसे अलग होना चाहिए क्लियर होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए जिसको आप माप सको द साइज प्रॉफिट एंड अंडर and other relevant characteristics of the segment must be measurable and obtain obtainable in the terms of data मतलब उसका data निकाल सको आप इस तरीके से measurable होना चाहिए ठीक है आगे देखिए students ये देखो एक एक ये आपको क्या दे रखा है डायग्राम दे रखा है ध्यान से देखो इसे कि एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन क्वेश्चन आ सकता है आपका राइट डाउन सम एसेंशियल्स फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन तो आप क्या लिखेंगे ये लिखेंगे कि जो भी आपका सेगमेंटेशन है वो मेजरेबल होना चाहिए असेसीबल होना चाहिए एक्शनेबल होना चाहिए सबसे होना चाहिए डिफरेंशियल होना चाहिए डिफ्रेंशियबल होना चाहिए एंड जनरल कंसिडरेशन होनी चाहिए उसकी ठीक है ये मेन असेंशियल्स हैं अब देखिए हमने मेजरेबल कर लिया कि मेजरेबल होना चाहिए जिसको हम माप सकें डेटा बना सकें जिसका असेसिबल ऐसा मतलब जब आप सेगमेंट बना रहे हो तो वो ऐसा हो जिसको आप एसेस कर सको ठीक है आगे आप उसको आपके अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सेस कर सको ऐसा होना चाहिए देखिए द सेगमेंट शुड बी असेसिबल थ्रू एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ पीपल एट अ कॉस्ट दैट इज अफोर्डेबल रीच इन इम्पॉर्टेंट टू सर्व द सेगमेंट मतलब अफोर्डेबल रीच में आना चाहिए आप उसको इजिल एक्सेस कर सको ठीक है नाउ वाइल्ड सेगमेंटिंग रूरल मार्केट इट इज इम्पॉर्टेंट एंड टू इंश्योर दैट द सेगमेंट मार्केट इज कन्वीनियंटली रीचेबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स कि आप उससे चला भी तो सकें एक्सेस भी तो कर सके कर सकें सपोज कीजिए इसमें देखा है कि रूरल मार्केट को आ, ये इंपॉर्टेंट है जब आप रूरल मार्केट सेगमेंट कर रहे हो कि जो मार्केट सेगमेंट आपने बनाया है वो ऐसी जगह पर हो जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर भी कर पाओ यानी कि आप उसे चला भी पाओ एक्सेस भी कर पाओ ये नहीं आपने मार्केट सेगमेंट बना दिया और वहां पर आप प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं कर पा रहे ठीक है समझ में आ गई आगे देखिए डिफ्रेंशिएबल मीन्स सबसे अलग होना चाहिए मतलब उसको आप जज कर सके उसको अलग से देख सकें कि हाँ भाई इसमें क्या डिफरेंस है ठीक है आप किसी दूसरे मार्केट सेगमेंट से उसको डिस्टिंग कर सकें डिफरेंस ला सकें उसके, उसके अंदर तो वो होता है मतलब वो उस टाइप का आपको मार्केट सेगमेंट बनाना है ठीक है तो देखिए डिफरेंट मार्केट सेगमेंट शोज डिफरेंट रिएक्शन टू टू डिफरेंट मार्किटिंग मैप्स जो डिफरेंट डिफरेंट आप मार्केट सेगमेंट्स बनाते हैं वो डिफरेंट रिएक्शन दिखाते हैं डिफरेंट मार्केटिंग मैप्स पर इफ बींग सिमिलर दैन देअर वुड हैव बीन नो यूज टू ब्रेक दैम अप इन अ वेरियस सेगमेंट अगर दोनों अगर सारे सिमिलर ही बना दोगे आप तो उसमें उसका कोई मतलब नहीं है ठीक है सेगमेंट्स अट्रैक्ट द टेंशन ऑफ मार्केटर्स ओनली देखो जो सेगमेंट्स आप बनाते हैं वो मार्केट market, मार्केटर्स की जो अटेंशन uh, है तभी सीख करेंगे तभी अट्रैक्ट करेंगे उन्हें ओनली व्हेन दे हैव डिस्टिंग्विशिंग फीचर जब उनके जो फीचर्स हैं वो अलग अलग हों ठीक है रूरल कंज्यूमर आर आइडेंटिफाइड एज डिफरेंट सेगमेंट एज देर रिस्पॉन्स में बी डिफरेंट फ्रॉम अर्बन कंज्यूमर एट लीस्ट फॉर देखिए रूरल कंज्यूमर जब अगर सपोज करो आप रूरल मार्केट में सेगमेंट कर रहे हो तो वो डिफरेंट होना चाहिए अर्बन कस्टमर से भी ताकि चाहे वो सम प्रोडक्ट्स पर हों लेकिन अलग होना चाहिए डिस्टिंग फीचर होने चाहिए उसके अंदर डिफ्रेंशियबल होना चाहिए ठीक है हाँ जी आगे देखिए सब्सटैंशियल सब्सटैंशियल में मीन्स मतलब जो भी आप सेगमेंट बना रहे हो वो इतना तो होना चाहिए थोड़ी ज़्यादा मात्रा में तो होना चाहिए ठीक है कि सपोज कीजिए आप एक मार्केट सेगमेंट बना रहे हो आप बिल्कुल ये नहीं है आप बिल्कुल ही छोटे छोटे मार्केट सेगमेंट बनाओ थोड़ा कुछ तो मात्रा होनी चाहिए उसकी ठीक है ताकि उसमें से प्रॉफिट निकाला जा सके ठीक है देखिए द सेगमेंट शुड बी लार्ज इनफ टू बी प्रोफिटेबल जो भी आप सेगमेंट बना रहे हो वो इतना लार्ज से होना चाहिए कि उसमें से वो प्रॉफिटेबल हो दगमेंट शुड कम्प्राइज आईधर अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट यूजर्स इस सेगमेंट में जरूर होना चाहिए आईधर अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट यूजर या तो छोटे यूजर लाइट यूजर ज़्यादा नंबर में होने चाहिए और स्माल नंबर ऑफ हैवी यूजर और जो बड़े यूजर्स होने चाहिए वो थोड़ी मात्रा में हो इतना तो होना ही चाहिए ताकि हम उसमें से प्रॉफिट तो निकाल सकें सो दैट मार्केटिंग बिकम बेनिफिशियल टू द कंपनी ताकि जो आपने मार्केट सेगमेंट करा है वो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो ठीक है अच्छी मात्रा में होना चाहिए एक्शनेबल और फीजिबल जो आपका मार्केट सेगमेंट जो आपने बनाया है वो एक्शनेबल और फिजिबल होना चाहिए इट शुड बी फिजिबल फॉर द मार्केटर टू अप्रोच ईच सेगमेंट विद अ पर्टिकुलर मार्केटिंग प्रोग्राम एंड टू ड्राई एडवांटेजेस फ्रॉम दैट कि इतना फिजिबल होना चाहिए एक मार्केट सेगमेंट जो आपने मार्केट सेगमेंट बनाया है विद अ पर्टिकुलर मार्केटिंग प्रोग्राम जो मार्केटिंग प्रोग्राम के साथ एंड टू ड्राई एडवांटेज फ्रॉम इट फ्रॉम दैट और उसके अंदर से वो एडवांटेज निकल सके द सेगमेंट

पर्सन होने चाहिए उसमें काम करने वाले एच होना चाहिए एंड कैपेबिलिटी टू हैंडल द टारगेट सेगमेंट और इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर जो आपने मार्केट सेगमेंट बनाया है उसको टारगेट भी कर पाओ ये नहीं सिर्फ बनाकर आपने छोड़ दिया नहीं उसकी टारगेट भी करनी है फिर बाद में उसकी पोजीशनिंग भी करनी है आपको मतलब अपना मार्केट सेगमेंट इस तरीके के बन इस तरीके का बनाओ कि वो एक्शनेबल भी हो उस पर काम भी किया जा सके और फिजिबल हो ठीक है हैंस डिपेंडिंग अपॉन द रीच ऑफ द कंपनी द सेगमेंट शुड बी सिलेक्टेड ठीक है आगे देखिए जनरल कंसिडरेशन है कुछ अपार्ट फ्रॉम द अबव रिक्वेट द सेगमेंट मस्ट हैव ग्रोथ पोटेंशियल बी प्रॉफिटेबल एक तो ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए जो भी आप सेगमेंट बना रहे हो ठीक है ग्रोथ के लिए ही बना रहे हो आप ठीक है बी प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल होना चाहिए ठीक है कैरीज नो अनयूजल रिस्क कोई भी अनयूजल रिस्क रिस्क उसके अंदर कैरी नहीं होना चाहिए एंड हैज़ कम्पिटीटर कम्पिटीटर जरूर होने चाहिए हु डू नॉट फाइट डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट और ब्रांड और ऐसे कंपिटीटर होना चाहिए वो डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहे उस प्रोडक्ट और ब्रांड को द फर्म मस्ट पॉजिज इनफ रिसोर्स फॉर मार्केट सेगमेंटेशन जो फर्म है मस्ट पोजिस इनफ रिसोर्स फॉर मार्किट सेगमेंटेशन मार्केट सेगमेंटेशन के लिए फर्म के पास इनफ रिसोर्स होने चाहिए द सेगमेंट क्रिटेरिया शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो सेगमेंट क्रिटेरिया है जो आप फॉलो कर रहे हो शुड बी फॉलोड इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन इशू करी है उसको फॉलो करते हुए चलते रहें चल चल के यूज करना होना कि मतलब जो भी आप सेगमेंट क्रिटेरिया बना रहे हो वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाओगे रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन पढ़नी पड़ेगी द सेगमेंट शुड बी रिलेटिवली स्टेबल ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो सेगमेंट बना रहे हो आप उसको स्टेबल बनाना है काफी टाइम तक के लिए नहीं आज कुछ और बना दिया कल कुछ और बना दिया ठीक है द सेगमेंट डेट एमर्ज रैपिडली एंड एक मिनट रैपिडली एंड डिसअपीयर जस्ट एज क्यूकली विल नॉट बी ए गुड सेगमेंट कोई ऐसा आपने सेगमेंट बनाया है वो आज बनाया है वो कल वो डिसअपियर हो गया है वो नॉट इज अट साइन ऑफ अ गुड सेगमेंट ठीक है सो सेगमेंट मस्ट भी सुटेबल प्रैक्टिकेबल एंड अट्रैक्ट टू दम तो जो भी आप सेगमेंट बना रहे हो मार्केट को सेगमेंट का जो पार्ट दे रहे हो वो सुटेबल होना, होना, होना चाहिए ठीक है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम थैंक यू स्टूडेंट्स